हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं, जो कि काफ़ी सारी लेडीज़ की क्वेरीज आ रही हैं कि पीरियड्स बहुत कम हो रहे हैं और टाइम पर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइम पर पीरियड्स ना आने के कुछ कारण मैं आपको बताने जा रही हूँ और कुछ कारण मैं आपको बताऊँगी जिसकी वजह से आपको बहुत कम ब्लीडिंग होती है। जैसे बहुत सारी लेडीज़ की परेशानी यह है कि उनको सिर्फ एक दिन पीरियड्स होते हैं, एक दिन हल्का हल्का ब्लड आया और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इन सभी के कारण और मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी से रिलीफ मिलेगा और आसानी से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। और अगर आपको पीरियड्स कम आ रहे हैं, एक दिन आ रहे हैं, सिर्फ दो दिन आ रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, तो इसका भी मैं आपको इसमें उपाय बताऊँगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और आखिर तक पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर किसी भी लेडी को टाइम पर पीरियड्स ना हो या फिर पीरियड्स कम हो या फिर पीरियड्स ज़्यादा हो, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात होती है। तो देखिए, अब आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स कम क्यों होते हैं, आपको पीरियड्स कम होना कब माना जाता है। देखिए, अगर आपको पीरियड्स सिर्फ एक दिन हो रहे हैं तो इसको माना जाता है कम पीरियड का होना। इसके अलावा ये एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन आपकी हो सकती है कि आपको ब्लीडिंग कम हो रही है। आपको दो दिन ब्लीडिंग हुई है या तीन दिन ब्लीडिंग हुई है लेकिन बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी माना जाता है कि पीरियड्स का कम होना। दो कंडीशन होती है, एक तो सिर्फ एक दिन पीरियड होना या फिर दो दिन पीरियड्स होना। दूसरी कंडीशन आपकी हो गई कि आप जो आपको क्या होगा, आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है। तो ये दो कंडीशन है, तो इन दोनों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी ऐसा आपके साथ क्यों होता है। तो देखिए, इनके क्या क्या कारण हैं। इनका कारण हो सकता है नंबर एक, थायराइड। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपके पीरियड्स कम होंगे और पीरियड्स आपको टाइम पर नहीं आएंगे। देखिए क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो पीरियड साइकिल को कंट्रोल करती है। अगर हमें थायराइड हो गया है तो हमारे जो पीरियड्स हैं वो टाइम पर नहीं आएंगे और हमें ब्लीडिंग भी कम होगी। दूसरा कारण आपका हो सकता है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। इसमें क्या होती है, आपकी ओवरी में कुछ सिस्ट बन जाती हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड टाइम पर नहीं आ पाते हैं। और इसके अलावा आपको ब्लीडिंग अगर टाइम पर हो गई है तो ब्लीडिंग आपको बहुत कम होती है, सिर्फ एक दिन आपको ब्लीडिंग होगी, दो दिन ब्लीडिंग होगी और आपको इसमें पेन भी ज़्यादा होता है। तीसरा कारण आपका हो सकता है मोटापा। देखिए, अगर आपका अचानक से मोटापा बढ़ा है या फिर आपका वज़न घटा है, इस कारण भी आपको पीरियड लेट हो सकते हैं और आपको पीरियड कम आ सकते हैं। पीरियड कम यानी कि आपको एक दिन या दो दिन पीरियड्स होंगे, ये चीज़ आपकी हो सकती है। चौथा कारण आपका हो सकता है ज़्यादा एक्सरसाइज। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं तो इसके कारण भी आपको पीरियड सिर्फ एक या दो दिन आएंगे और आपके पीरियड लेट भी हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर पाँच, बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने के कारण। अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई हैं तो उसके कारण भी आपके पीरियड लेट हो सकते हैं और इसके अलावा आपको पीरियड्स थोड़े कम हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर छः, स्तनपान। अगर आप स्तनपान करा रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अपने बच्चे को, तो उसमें भी थोड़े आपके पीरियड्स कम हो सकते हैं। सातवां और अहम कारण आपका हो सकता है हार्मोन्स चेंजेस। देखिए, पीरियड्स जो होते हैं, अगर हमें पीरियड्स टाइम पर नहीं हो रहे हैं, पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो यानी कि आपके हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने की वजह से आपको पीरियड टाइम पर नहीं आएंगे और आपके पीरियड लेट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर पीरियड्स आ भी रहे हैं तो वो बहुत कम आएंगे। इसके अलावा नंबर आठ, अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में ज़्यादा हैं, तो इसके कारण भी आपके हार्मोन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, तो आपके पीरियड्स लेट हो जाएंगे और इसके अलावा जो आपके पीरियड्स हैं वो जो है बहुत कम आएंगे। एक दिन आपको पीरियड होगा या दो दिन पीरियड होगा और इसके अलावा आपको ब्लीडिंग बहुत कम होगी। तो ये सभी कारण तो हो गए आपके पीरियड्स लेट होने के कारण और आपको पीरियड कम आने के कारण, जो आपके पीरियड कम हो रहे हैं, तो ये सभी कारण आपके हो सकते हैं अगर आपको पीरियड टाइम पर नहीं आ रहे हैं या फिर आपको पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं, एक या दो दिन पीरियड्स आ रहे हैं और ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है। तो ये सभी जितने मैंने कारण बताए हैं, ये सभी में से कोई सा भी कारण आपके साथ हो सकता है। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स कारण, ये जानने आपके लिए बेहद ज़रूरी थे। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ उपाय, जिसको अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जिसकी वजह से आपके पीरियड कम आ रहे हैं, यानी कि आपको ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है या एक या दो दिन हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, आपको लेना है एक गिलास पानी, थोड़ा गुनगुना पानी आपको लेना है गर्म करके। उसमें आपको
आधे चम्मच हल्दी डालकर उसको मिलाकर उसको आपको सुबह नाश्ते के बाद एक बार पीना है और एक बार डिनर से पहले। ये दो बार आपको पीना है। कब पीना है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये आपको, अगर आपको पीरियड्स कम आ रहे हैं, पीरियड्स के ब्लीडिंग जो है वो आपको बहुत कम हो रही है, अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो आपको ये जो पीना है आपको 5 दिन पहले से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपके पीरियड डेट है उससे 5 दिन पहले आप इसको स्टार्ट कर दीजिए और पीरियड तक इसको पीजिएगा, तो इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आप मेथी दाना होता है तो मेथी दाने को भी आप पानी में बॉईल करके उसको थोड़ा ठंडा करके उसको सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद इसको पीना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा नंबर 3 आपको क्या करना है, एक काढ़ा बनाना है। ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करेगा। आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पीरियड्स कम दिन आ रहे हैं ये भी उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लीडिंग कम हो रही है उसके लिए भी बेहद अच्छा है। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत अच्छा है। देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना है गुड़, अजवाइन और सौंठ। इन तीनों चीज़ों को आपको एक गिलास पानी में डालकर बहुत अच्छे से पका लेना है, यानी कि एक गिलास आपका आधा गिलास रह जाए इतना इसको पकाना है। इसको आपको यूज़ करना है सुबह खाली पेट और रात को सोते हुए। इसको आपको 2 बार लेना है। आप अगर इसको 2 दिन लेंगी तो आप इसका खुद फर्क देखेंगे, आपके पीरियड रेगुलर होंगे, आपके पीरियड जो ब्लीडिंग है वो ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू।